आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि हर रोज साबुन लगाते होंगे, नहाते समय वैसे भी लगाते होंगे, है ना। कभी मतलब बाहर से आए साबुन लगा ली, नहाते समय साबुन लगा ली। एक होते हैं वो जो अपने चेहरे पर ध्यान नहीं देते, फेस वॉश नहीं लगाते, वो नहाते समय अपने मुंह पर सिर्फ साबुन लगा लेते हैं। दूसरे होते हैं वो जो कि ये सोचकर साबुन लगाते हैं कि उनका चेहरा साफ हो जाता है। ठीक है, बात दोनों के लिए करूँगा मैं, लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि जो ये सोचकर साबुन लगाते हैं ना कि उनका चेहरा साफ हो जाता है और अलग अलग साबुन अपने लिए लेकर आते हैं, ये सबसे बड़ी अनपढ़ता है मेरे भाई। इसको मैं सबसे बड़ी अनपढ़ता बोलूँगा, ठीक है। पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि हर रोज़ साबुन लगाने से आपके चेहरे पर क्या क्या हुआ बचपन से जो आप साबुन लगाते आ रहे हो, और क्या होता है साबुन लगाने से हर रोज़, और जो आज मैं आपको बताऊँगा उसको सुनने के बाद शायद आप साबुन लगाना बंद कर दो। ये सुनने में छोटी सी बात लगती है चेहरे पर साबुन, लेकिन इतना बड़ा नुकसान इसका होता है, तो चलो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो मेरे भाइयों एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि सब लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, लाइक कर दिया। अब ध्यान से सुनो जो मैं बोलूँगा, ठीक है, उस चीज़ को ध्यान से सुनना और प्रैक्टिकल करके देखना। देखो, जब हम साबुन लगाते हैं, कोई भी कंपनी की साबुन होती है, ठीक है, सब में कास्टिक सोडा होता है। जब हम साबुन लगाएंगे, साबुन लगाने के बाद, मुंह धोने के बाद, तौलिए से पोंछने के बाद, आप धूप में 5 मिनट बैठ जाओ, उसके बाद नाखून से जब आपका चेहरा सूख जाए, नाखून से अपने चेहरे पर एक लाइन बनाकर देखना, आप देखो कि बिल्कुल सफ़ेद लाइन आपके चेहरे पर बनेगी। तो इसका मतलब सबसे पहला तो इसका मतलब ये होता है कि उस साबुन में, जो भी साबुन आपने लगाई, कास्टिक सोडा है। ठीक है, और ये कास्टिक सोडा क्या करता है, देखो हमारा चेहरा छोड़ता है नेचुरल ऑयल। ठीक है, नेचुरल ऑयल हमारी बॉडी छोड़ती है ताकि हमारे चेहरे पर ग्लो आ सके। मतलब वो नेचुरल ऑयल जो हमारी बॉडी छोड़ती है उससे ग्लो आता है, बॉडी अच्छी रहती है। लेकिन ये साबुन के अंदर इतना अधिक केमिकल कास्टिक सोडा होता है जो कि उस नेचुरल ग्लो को बिल्कुल ख़त्म कर देता है, और रिजल्ट आपको दिखता है। आप बस ये, आपको साबुन लगाने से सिर्फ आपका चेहरा साफ हो जाता है, आप सोचते हो कि आप गोरे हो गए। मैंने आपको पहली कितनी बार समझाया कि चेहरा साफ करना, ठीक है, ये चीज़ अलग होती है, चेहरे पर ग्लो होता है वो चीज़ अलग होती है। जिसके बंदे कोई मैटर नहीं करता आपका चेहरा सांवला है, गोरा है, काला है, लेकिन जिस बंदे के चेहरे पर ग्लो होगा, वो किसी भी रंग का हो, वो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। और जो आप हर रोज़ साबुन लगाते हो ना, इससे पता है क्या होता है, इससे आपके चेहरे का ग्लो बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म होता है। और जो आप बचपन से साबुन लगाते आ रहे हो ना, हर रोज़ अपने चेहरे का ग्लो ख़त्म कर रहे हो, और हर रोज़ आपकी बॉडी आपके चेहरे का ग्लो बनाने की कोशिश करती है, और आप हर रोज़ साबुन लगा के अपना नेचुरल ग्लो ख़त्म कर देते हो। तो मतलब भाई कहने का ये है, ठीक है, आप नहाते समय साबुन लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेहरे पर मत लगाओ। ठीक है, क्योंकि बाहर जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो चेहरा ही दिखता है, और चेहरे पर आपके ग्लो नहीं रहेगा तो क्या फ़ायदा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये कि अब आप बोलोगे फेस वॉश लगाए, क्रीम लगाए, कुछ नहीं लगाना अपने चेहरे पर आपको। सबसे पहला पॉइंट तो ये, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको अपने चेहरे पर जब आप नहाते हो, ठीक है, साबुन से नहाते होंगे, अपने चेहरे पर साबुन नहीं लगने देनी है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो लगाए क्या। ठीक है, अब आप बोलोगे कि साबुन नहीं तो और क्या लगाएं, तो आपको मैं सिंपल सी चीज़ें बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ स्किन के लिए बनी हुई है, नेचुरल चीज़ें, जैसे कि घी कुमार हो गया, एलोवेरा जेल, उसको आप काटो, 5 मिनट के लिए लगाओ और सुखा सकते हो। दूसरा है टमाटर, टमाटर को बीच में से काटो चाकू के साथ, और उसको उसके साथ रगड़ कर जब आप अपने चेहरे को साफ करके जब धोगे ना, तो भाई देखना कितना क्लीन हो जाता है चेहरा, और ग्लो भी आता है इससे। तीसरा आप कर सकते हो बेसन मलाई, ये अपना सकते हो, ये सबसे बेस्ट है, बेसन मलाई और नींबू, ये तो भाई सबसे बेस्ट है ये चीज़। तो ये तीन चीज़ें आप अपना सकते हो अपने चेहरे के लिए बस। और बाकी भाई अगर मैं बात करूँ तो आपको दो पॉइंट और अपनाने होंगे अगर आप चाहते हो बिल्कुल चेहरे के लिए अपने। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो आपको अपनाना होगा, वीर्यनाश नहीं करना है आपको। ठीक है, मतलब मास्टरबेशन नहीं करना। दूसरा, सुबह जल्दी उठना है। ये दो चीज़ें आपकी चेहरे पर जो रौनक लेकर आएगी ना, आप मुझे याद करोगे, इस चैनल को याद करोगे। आपको सुनने में नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत गहराई चीज़ मैंने आपको बताई है। बाकी ऐसे ऐसे वीडियो लाता रहूँगा, लाइक कर देना, अगली वीडियो को इस पर चाहिए कमेंट कर देना। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।